पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महानगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के डीआरएम कार्यालय में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब डीआरएम कार्यालय के बाथरूम में एक किसान लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। किसान का गला कटा हुआ था और वह बेहोशी की हालत में था। किसान के गर्दन कटी हालत में पड़े होने की जानकारी होने पर डीआरएम कार्यालय में तैनात कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना देकर खून से लथपथ किसान को रेलवे अस्पताल भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने किसान की हालत नाजुक देखकर मंगलवार की दोपहर डीआरएम कार्यालय में बाथरूम में अचानक चीखने की आवाज आई तो रेलवे के कर्मचारी बाथरूम की तरफ दौड़ पड़े। रेलवे कर्मचारियों ने बाथरूम में जाकर देखा कि एक किसान ने किसी धारदार हथियार से अपनी गर्दन काट ली है और वह खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई और आनन-फानन में खून से लथपथ किसान को रेलवे के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। किसान के पास से मिले कागजातों से उसकी पहचान रामकिशोर पुत्र भीमसेन निवासी पताई खालसा जनपद अमरोहा के रूप में हुई। पुलिस ने घटना की जानकारी रामकिशोर के परिजनों को दी। घटना की जानकारी लगते ही किसान के परिवार में हड़कंप मच गया और वह अस्पताल पहुंच गए। किसान के बेटे का कहना है कि उसके पिता खेती का काम करते हैं और परिवार में हम पांच भाई बहन हैं, जिसमें एक बहन विनीता पैर से विकलांग है और उसके ही काम से दिव्यांग प्रमाण पत्र लेकर पिता रामकिशोर डीआरएम कार्यालय आए थे। किसान ने अपनी गर्दन काट कर खुद जान देने का प्रयास किया है या फिर किसान के साथ कोई और घटना हुई है, ये तो पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हम लोग ऑफिस है ऊपर, हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, नीचे से शोर हुआ कि किसी आदमी ने बाथरूम में अपना गला काट लिया। तो हम लोग ऊपर से नीचे भागे, नीचे काफी भीड़ पहले से ही लगी हुई थी। अच्छा, मैं और सुनील हम दो व्यक्ति अंदर घुसे तो वो नीचे तड़प रहा था, तो मैंने और उसने उठा के इसे ई रिक्शा में डाल के ले गया। कौन क्या? मतलब आपके स्टाफ का ही है ये? नहीं नहीं, ये स्टाफ का तो नहीं है। कोई पता चला कहाँ के? कुछ नहीं, इसके जेब से कुछ कागज मिले हैं, वो इंस्पेक्टर साहब को दे दिए हैं। उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें किसी लड़की की मार्कशीट वगैरह है कुछ, हाई स्कूल की। इस तरह का प्रकरण एक है जिसमें युवक द्वारा इस तरह का घायल अवस्था में मिला, जिसे हम लोग हॉस्पिटलाइज करा दिए हैं। उसके परिजन को सूचित कर दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य चुकाए जा रहे हैं। जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा तो हम लोग उसमें कार्रवाई। ऐसा पता चला कहाँ का रहने वाला युवक है? यहाँ मुरादाबाद कहाँ का है ये युवक? ये युवक डिडौली थाना क्षेत्र मरो का रहने वाला है, जो यहाँ डीआरएम का जो कंपाउंड है उसमें आया था, जहाँ ये घटना हुई है। हम लोग सभी साक्ष्यों की पड़ताल कर रहे हैं और उसके परिजन से बातचीत कर रहे हैं। जो एविडेंस मिलेगा हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे।